Good afternoon, everyone. Myself, Professor Uday Patel. Previous lecture के अंदर हमने binary के different जो भी bases थे, decimal, octal, hexadecimal and binary, उसके regarding पढ़ा था. As well as हमने decimal to binary, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ा था. Okay. अब उसके अलावा जितने भी आपके कन्वर्शन होते हैं बेसिस के हिसाब से, ओके, वो आज हम देखने वाले हैं. बेस यानी क्या? ये टू, ओके, बाइनरी के लिए टू, डेसिमल के लिए 10, ऑक्टल के लिए 8, हेक्साडेसिमल के लिए 16, जो एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन होते हैं, ओके, उसकी टेक्निक्स, उसकी मेथड आज हम पढ़ेंगे. चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका बाइनरी तो डेसिमल के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे. अगर हमें कोई भी रैंडम नंबर दिया जाए, लाइक यहाँ पे दिया गया है, तो उसका डेसिमल के अंदर किस तरह आपको कन्वर्जन करना है, तो जो भी लो सिग्निफिकेंट बीट होती है, यानी कि ये फर्स्ट, ओके, उससे हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है. ओके, किस तरह? इसको 2:0 मल्टीप्लाई बाई 1 करके आप देख सकते हो, प्लस 2:1 मल्टीप्लाई बाई 1, आफ्टर देन थर्ड डिजिट के लिए क्या होगा, 2:2 मल्टीप्लाई बाई 0, प्लस 2:3 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद 2:4 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 2:5 मल्टीप्लाई बाई 1. ओके, अब जो भी आपको यहाँ पे इस तरह, लाइक यहाँ पे इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है, उसके बाद उसका जो भी मेनली यहाँ पे 2:5 32 होता है, तो आप 32 लिख दो, 0 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ 2:3 यानी आपका आंसर 8 आता है. उसी तरह आपके रिमेनिंग जो भी है उसको क्या करना है, ये आप लिख दो. उसके बाद जो भी आपका समेशन होगा वो इनडायरेक्टली क्या होगा, 43 जितना आएगा वो आपका डेसिमल के अंदर आपको वैल्यू मिल गया. चलो, ओके, ये तो हो गई कि अगर आपका सिंपल एक बाइनरी नंबर दिया जाता है तो, लेकिन बाइनरी नंबर आपका इस तरह लिखा हो तो, लाइक 11.11 आफ्टर देन 110.110 ऐसा कुछ लिखा गया होगा, तो आपको किस तरह करना है कि आपको यहाँ से जो भी पॉइंट, जो भी डेसिमल नंबर है उसके आगे से स्टार्ट करना है. सेम प्रोसीजर, 2:0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2:1 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी, इस तरह 2:0, ये लास्ट जो भी लो सिग्निफिकेंट बीट होगा वो 1, ओके, प्लस 2:1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया. ये तो आप लिख दोगे आराम से, लेकिन उसके बाद क्या, पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होगी ना, ओके, उसको किस तरह लिखना है कि 2:-1 इंटू 1 प्लस 2:-2 इंटू 1, ओके, उसके बाद 2:1.5 एंड 0.25 मिलता है, ओके, तो आपको हर एक को ऐड करना है, ठीक है, तो क्या बचेगा, इसका तो 0.75 हो गया और ये प्लस 3 है, तो 3.75 आपका आएगा आंसर, ठीक है. यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है, लो सिग्निफिकेंट बीट से आप आपको 2:0 से मल्टीप्लाई कर देना, स्टार्ट कर देना है, ओके. अगर आपको डेसिमल में बाइनरी नंबर दिया गया होगा तो आपको इस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करनी है. उसके बाद है कि डेसिमल टू ऑक्टल, 10:8, ओके, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया गया होगा उसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ओके, लाइक मान लो कि यहाँ पे 12 है, ओके, तो आप 8 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं कर सकते, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 होता है, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका क्या बचा, 12-8 यानी 4 बचा. उसके बाद 45 है, तो 8 इंटू 5 करते हो तो 40 होता है, ओके, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5, ठीक है, इतना हो गया. उसके बाद 8 इंटू 1, ओके, क्या होगा, 8 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे तो कोई बचा नहीं है, तो 8
जीरो, तो आपका यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आया, 175 आया, ठीक है। तो ये हुआ आंसर डेसिमल टू ऑक्टल का। ओके, अब जैसे ही अगर आप डेसिमल के अंदर, डेसिमल यानी मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये डेसिमल की बात कर रहा हूँ, 0. ऐसे जो अब आपका लिखा जाता है ना, ओके, वो उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। लाइक मान लो कि यहाँ पे 0.6875 है ना, उसको डेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे थे, ओके, वैसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि इसको पर्टिकुलरली 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 5.500 आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटीजर एंड फ्रैक्शन को सेपरेट आउट करेंगे, तो 5.500 मिलता है। जब तक आपका फ्रैक्शन जीरो नहीं हो जाता, तब तक आपको 8 से मल्टीप्लाई करते रहना है। जैसे ही आपका जीरो हो गया, उसका मीनिंग ये आया कि आपको क्या आंसर मिला, 0.54। ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स आपको लिखना है, लाइक 54 आया, 45 मत लिखना गलती से भी पॉइंट के अंदर, इसके अंदर डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है, ठीक है। उसके बाद है कि ऑक्टल टू डेसिमल, ओके। अब ऑक्टल के टू डेसिमल के अंदर जैसे आपने क्या किया कि बाइनरी टू डेसिमल के अंदर किया था ना, ओके, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको 2:0 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करना, 8:0 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ओके। उसके बाद 8:2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, 2 के लिए, 8:2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 के लिए, टोटल जो भी आपका समीशन आता है वो 468 होता है, ठीक है। वो आपको आंसर मिल गया, ओके। पॉइंट के अंदर आपको मैंने पहले जैसे डेसिमल के अंदर बोला था, वैसे ही यहाँ पे ऑक्टल के लिए भी करना है। यहाँ पे 3 के लिए 8:0 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, 4 के लिए आपका 8:1 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, ओके। उसके बाद ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है यानी 2, यानी 8:-1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 8:-2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। जो भी आपका समीशन आया, ओके, उसको आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो, विच इज 35.3281। उसके बाद है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ओके। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी डेसिमल को, ओके, उसके डिवाइड बाय 16 करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 16 डिवाइड बाय 77, सॉरी 1234 डिवाइड बाय 16 करोगे तो 77 आपको आंसर मिलेगा, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। उसके बाद 77 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 4 मिलेगा, रिमाइंडर 13 मिलेगा। एंड वन मोर थिंग कि आप क्या कर रहे हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेम्बर डेट कि आपका 10 को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो ए, 11 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो बी, 12 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो सी, एंड 13 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो डी, ओके। तो यहाँ पे अगर आपका 10 से लेके आपका कुछ अप टू एफ तक, 10 को जैसे ए से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एफ को जो भी रिप्रेजेंट करते हो उस तरीके से, वहां तक आपको याद रखना है कि हाँ चलो आपको ABCD के अंदर वो डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हेक्साडेसिमल है, ओके। उसके बाद तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ओके। तो आपका आंसर क्या आया, 4D2, ओके। जो आप यहाँ पे आपने लिखा है वैसे ही सेम यहाँ पर जो प्रीवियसली आपने प्रोसेस जो किया कि पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होती है उसको आप 16 से मल्टीप्लाई करो, ओके, और जो भी आपको इंटीजर फ्रैक्शन मिलता है उसको सेपरेट आउट करो, ओके, और जहां तक आपका फ्रैक्शन जीरो नहीं हो जाता वहां तक उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ओके। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया 0.08। उसके बाद है कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ओके। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी आपका लास्ट लाइक सी यानी क्या 12, ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 16:0, यहाँ पे बी है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16:1, प्लस यहाँ पे ए है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16:2, ओके। जो भी आपको समीशन मिलता है वो आप यहाँ पे लिख दो, ओके। तो ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया, ओके। ये 43.25 हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर है, उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3:16:0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, 16:1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 16:-1 से
मल्टीप्लाई करना है, और फाइव को सॉरी 16⁻²² से फाइव को मल्टीप्लाई करना है, ओके okay? तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ओके विच इज फाइनल से 67.1445, ओके। उसके बाद है कि ऑक्टल टू बाइनरी, ओके। अब ऑक्टल में क्या होता है कि हम तीन डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास फाइव है, ओके, तो फाइव को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अगर मान लो कि आप ये लिखते हो 2⁻², मैं फोर वैल्यू तक लिखता हूँ, 2⁻², 2⁻², 2⁻², 2⁻³। तो आपको क्या मिलेगा? 8, 4, 2, 1 मिलेगा, ओके। अगर आप पाई को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? ये 4 और ये 1, ये आपको क्या मिलता है? 4+1 5 मिलता है। तो मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा? 101 से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये मिल गया 0, तो 000। आपको तीन डिजिट ही लेने, क्योंकि आपको ऑक्टल से आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना है, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद 0 को 000 और 7 को 4+2+1=7, यानी 111, ओके। आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपका ऑक्टल टू बाइनरी इस तरह आएगा, ओके। यहाँ पर भी डिफाइन किया गया है कि 0 को 000 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 को 001 से, एंड 7 को 111 से, ठीक है। तो ये काफी इजी है। उसके बाद है बाइनरी टू ऑक्टल, ओके। अब बाइनरी टू ऑक्टल के लिए आपको क्या करना है? सिंपल, जैसे हम लोगों ने इसके लिए क्या किया था, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए तीन बिट का इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जिस तरह यहाँ पे किया गया, उसी तरह यहाँ पे तीन तीन के ग्रुप बना दो, ओके। लाइक ये तीन ग्रुप, ये तीन ग्रुप, अगर यहाँ पे एक ही बचा होगा तो यहाँ पे 00 लग दो, ओके, नहीं होगा तो, ठीक है, तो आपका वो तीन डिजिट का ग्रुप हो जाएगा, ओके। लास्ट में तो तीन ग्रुप है ही, ओके, उसको डायरेक्टली आप जो भी ये रिप्रेजेंटेशन है, ओके, उसका उल्टा रिप्रेजेंटेशन आप भी कर सकते हो, ओके। उस हिसाब से 1327 आपका आंसर आता है, तो 1327 आपका ऑक्टल में आपका आंसर मिल गया, काफी इजी है ये भी। आफ्टर देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हेक्साडेसिमल है तो आपको 4 डिजिट के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एफ यानी 1111, ठीक है, ए यानी 1010, 0 यानी 0000, 1 यानी 0001, ओके। तो ये आपका हो गया, ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि 0 से 1, 0 से 7 तक इस तरह बाइनरी के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एंड हेक्साडेसिमल जो भी है, ओके, उसको सॉरी हेक्साडेसिमल फ्रॉम ए टू एफ, वो यहाँ पे इस तरह बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ओके। आफ्टर देन है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए 4 के ग्रुप बना दो, ओके, ये तो 4 है ही, ओके। उसके बाद 1011, ओके, आफ्टर देन 0100, ओके, तो यहाँ पे ये बन गया, तो उसके ऊपर से 2D.7 आपको आंसर मिल गया। आफ्टर देन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ओके, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्टल टू बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना होगा। चलो किस तरह करोगे आप? 6 को 110 लिखते हो, 7 को 111 लिखते हो, 0 को 000 लिखते हो, और 1 को 001 लिखते हो। अभी ये ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया, सॉरी, जो भी आपका ऑक्टल था, ओके, वो बाइनरी के अंदर कन्वर्जन हो गया। उसके बाद 4-4 के ग्रुप बना लो, इजी है, ठीक है, यानी 011 ये 1, ओके, यानी 110 आपका हो गया। उसके बाद 1100, यहाँ पे आप 1100 देख सकते हो, ओके। आफ्टर देन 0100 जो यहाँ पे है, ओके, उसको डायरेक्टली उसके बाद तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना काफी इजी है, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करो, उसके बाद बाइनरी को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, और वो ऑक्टल के अंदर आप नंबर लिख दो, वो काफी इजी है। तो
आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, ओके। हमने जितने भी बाइनरी कन्वर्जन थे ओके वो हमने देख लिए हैं ऑलरेडी। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।